हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबोध सर और आज से मैं शुरू करने वाला हूं एक नई सीरीज जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ी सी डिफर है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इंडिविजुअल लेवल पर बात नहीं करती बल्कि इकोनॉमी एज अ होल पर बात करती है, मतलब एग्रीगेट लेवल पर बात करती है। इट इज कंसर्न्ड विद द डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में बात करती थी, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात करती थी, इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में बात करती थी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां पर क्या हम बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमी, एग्रीगेट प्रोड्यूसर्स, एग्रीगेट कंज्यूमर्स, मतलब इकोनॉमी एज अ होल की हम यहां पर बात करते हैं, जिसमें हमारा मेन जो स्टडी पर्पज होता है वो होता है जनरल प्राइस लेवल को जानने का, उसको सेट करने का, और साथ ही साथ एग्रीगेट आउटपुट क्या आया इसके बारे में यहां पर स्टडी करते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं कि जो भी हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है उसके मीन पीछे वजह क्या है, या जो भी एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों हो रहा है। सेकेंडली हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटरमिनेशन की, तो इसी में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम कैसे जनरेट होती है, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसकी भी हम बात यहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। थर्ड आता है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग, मतलब हम जनरल प्राइस के बारे में डिसाइड करते हैं कि कैसे जनरल प्राइस में डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस लेवल चेंज होता है। अगला है थ्योरी ऑफ मनी, मनी का सर्कुलेशन मार्केट में कैसा होता है, मनी कैसे कंट्रोल होती है, कैसे मनी क्रिएशन होती है, इसके बारे में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। और अगला है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो हम बिजनेस करते हैं उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं और क्या क्या हमारी इनकम पर इफेक्ट डालती हैं, फॉरेन एक्सचेंज पर इफेक्ट डालती हैं, उसके बारे में भी हम यहां पर डील करते हैं। अगला आता है आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है इट हेल्प्स इन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन, ये गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी जो फॉर्मेशन करती है गवर्नमेंट उसमें ये हेल्प करता है। सेकंड है इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन, हम दूसरे कंट्रीज के साथ में अपना कंपैरिजन करने में कैपेबल हो जाते हैं कि हम कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। थर्ड आता है आपका इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, जो हमारे इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप पीपल्स हैं, डिफरेंट एरियाज के हैं, उनमें नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसके बारे में भी हम बात यहां पर करते हैं। अगला इट हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन स्टडिंग मॉनेटरी प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी को जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स अफेक्ट करती हैं उनके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फाइनल गुड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनल गुड्स इट रिफर्स टू गुड्स विच हैज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर द यूज बाय फाइनल यूजर, मतलब ऐसी गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी हैं, मतलब अब उनमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन का प्रोसेस बाकी नहीं रह गया है और अब वो फाइनल कंज्यूमर जिसे यूज करना है उसके यूज करने के लिए वो रेडी हो चुकी हैं, तो ऐसी जो गुड्स होती हैं वो कहलाती हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को जैसे हम आगे बात करते हैं तो फाइनल गुड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स में और प्रोड्यूसर गुड्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स के नाम से भी जानते हैं। So, these are the goods which are consumed by the consumers for their satisfaction. ऐसे goods जो finally consumer के द्वारा उसके satisfaction के लिए consume कर ली जाती हैं, ऐसी goods जो होती हैं वो कहलाती हैं consumer goods या final consumer goods. फाइनल कंज्यूमर गुड्स को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला इसमें आता है ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो बहुत ही लंबा टाइम स्पान रखती हैं और मोर देन 1-3 ईयर यूज किया जा सकता है, ऐसी गुड्स जो होती हैं वो कहलाती हैं ड्यूरेबल गुड्स।
These goods can be used for long time like AC, car, television, etc. ऐसी बहुत सारी assets हैं जो कि हम बहुत ही लंबे time तक उन्हें use कर सकते हैं. अगला आता है semi durable goods. Semi durable goods जो होती हैं, these goods have not very long life but can be used for several times. ऐसी गुड्स जो बहुत ही लंबी लाइफ तो नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत ही ज्यादा टाइम यूज किया जा सकता है. एग्जांपल्स में आप क्रॉकरी ले लीजिए. क्रॉकरी में जैसे कि कप हो गए या आपके अदर पॉट्स हो गए, इनको हम ले सकते हैं. अगली बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड ओनली फॉर वन टाइम. मतलब दीज आर द गुड्स हैविंग वेरी शॉर्ट लाइफ एंड कैन बी यूज सिंगल टाइम ओनली. जैसे अगर हम मान लीजिए मिल्क की बात करें, तो मिल्क जब तक हम यूज नहीं कर रहे हैं तब तक तो वो हमारे पास रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसको यूज कर लेंगे तो सिंगल टाइम में ही मिल्क खत्म हो जाएगा. जितने की हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसी की बात हो रही है. अगला सर्विसेज. सर्विसेज आर दोज टाइप ऑफ आइटम्स विच कैन नॉट बी सीन. इट इंक्लूड्स इनटेंजिबल आइटम्स विच कैन नॉट बी सीन लाइक सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ टीचर, ईटीसी. हमारे सेकंड नंबर की जो गुड्स हैं वह है प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स. देखिए, दीज आर द रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर कंज्यूम्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट, मशीनरी, ईटीसी. मतलब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूसर जिनको यूज करते हैं और जिनको इस पर्पज से यूज किया जाता है ताकि उनसे उनकी मदद से फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके, इसीलिए उन्हें हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से जानते हैं. और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, फैक्ट्री हो गई. ये सारी की सारी आपकी कहलाती है प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. इन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स के नाम से भी जानते हैं. अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स का होता है, जिसमें पहला आता है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. देखिए, इन्वेस्टमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म और इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. मतलब कोई भी फर्म के द्वारा जो भी प्रोसेस किया जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन में वो कहलाएगा आपका इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स का है. इन्वेस्टमेंट में पहला आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि होता है द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैप एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर्स. मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर्स की फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज कर देता है, इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं. ऐसा इन्वेस्टमेंट कहलाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सेकेंडली आपका आता है इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इसमें चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक इक्वल क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम में, जो कि नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, वन ईयर का टाइमिंग होता है, इस टाइमिंग में जितना भी इन्वेंट्री में चेंज आया, स्टॉक में चेंज आया, वो आपका कहलाता है इन्वेंट्री स्टॉक. अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में. तो डेप्रिसिएशन द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एक्सपेक्टेड और फॉरसीन ऑब्सोलेंसेस. मतलब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट में डिक्रीज होने से है, मतलब फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट या असेट का लॉस होने से है. लेकिन जो लॉस की हम बात कर रहे हैं, जो वैल्यू डिक्रीज होने की बात कर रहे हैं, वो या तो नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हो, मतलब नॉर्मली असेट को यूटिलाइज जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से जो उसके कॉस्ट में कमी आ रही है, उसकी जो वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है उसकी बात हो, या तो ऑब्सोलेंसेस, ऐसा ऑब्सोलेंसेस जो फॉरसीन है, मतलब जो हम पहले से जानते हैं कि अगर हम मशीन को चलाएंगे या असेट को चलाएंगे तो ये लॉस होगा ही होगा. केवल और केवल वो लॉस जो होता है वो आपका डेप्रिसिएशन में इंक्लूड किया जाता है. अगला टॉपिक बात करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की. तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? इट इज द फंड क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर. ये एक ऐसा फंड है जो प्रोड्यूसर क्रिएट करते हैं टू मीट द अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉसेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो अपकमिंग डेप्रिसिएशन होगा, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ असेट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से असेट को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी. सो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड,
जो असेट को रिप्लेस करेंगे उसके लिए प्रोड्यूसर्स पहले से ही अरेंजमेंट करते हैं, जिसके लिए वो डेप्रिसिएशन फंड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अगला इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक से, लेकिन स्टॉक का मतलब है यहां पर कुछ और। देखिए, इट इज द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स ऑन रॉ मटेरियल्स। मतलब इन्वेंट्री से यहां पर मतलब है जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है फिनिश्ड गुड्स का, जो कि अभी रिमेन अनसोल्ड है, इसके अलावा सेमी फिनिश्ड गुड्स का। सेमी फिनिश्ड गुड्स से मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल हमने प्रोसेस में तो ले आए हैं, लेकिन अभी वो फिनिश्ड गुड्स बनकर के तैयार नहीं हुआ है, मतलब अभी उसमें प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो कहलाता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो हमने परचेस तो कर लिया है लेकिन अभी हमने उस पर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। तो इन तीनों तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इनको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। अगली हम बात करते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट की और फ्लो कॉन्सेप्ट की। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट की हम जब बात करते हैं तो क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज बैलेंस ऑफ रूपीज 2000 इन बैंक अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2020। अगर हम बात करें स्टॉक कॉन्सेप्ट की तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक क्वांटिटी मेजर्ड होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर हम बात कर रहे हैं जो कि मेजर की जाती है, तो वो कहलाता है आपका स्टॉक। स्टॉक का मतलब जैसे कि हमने एग्जांपल में कहा कि बैंक अकाउंट में 1 जनवरी 2020 को 2000 का बैलेंस था, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। अगला फ्लो, क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग अ मंथ। मतलब यहां पर जो हम फ्लो में बात करते हैं, फ्लो में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात ना करके हम लोग जो बात करते हैं फ्लो में, बात करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या हमने किया या कोई भी कितना जनरेट किया इनकम को या एक्सपेंडिचर कितना किया, ये आपका कहलाता है फ्लो कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, एक ऐसा अनएंडिंग प्रोसेस है, लगातार चलने रहने वाला प्रोसेस है जो कभी भी स्टॉप नहीं होता, इनकम को जनरेट करने का और एक्सपेंडिचर करने का, और साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का, फिर से इनकम को जनरेट करने का, फिर से एक्सपेंडिचर करने का। मतलब प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर का यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इसीलिए हम इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो इसमें थ्री फेसेस आते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। फेसेस मतलब चरण। फर्स्ट फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जब कोई भी कमोडिटी जब उसको कंज्यूम करना है तो उससे पहले उसको बनाना जरूरी होता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन जो होता है वो फैक्टर सर्विसेज की मदद से होता है, जब फैक्टर सर्विसेज की मदद से होता है तो उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आता है आपका इसमें, वो आ जाता है जनरेशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, प्रॉफिट, कैपिटल, इंटरेस्ट, इटीसी। और इसके बाद आता है जब इनकम जनरेट हो जाती है तो उसको किया जाता है एक्सपेंडिचर, और जब एक्सपेंडिचर किया जाता है तो एक्सपेंडिचर होने के बाद फिर से क्या होता है, प्रोडक्शन। और ये प्रोसेस, ये सर्कल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसीलिए हम इसे सर्कुलर फ्लो के नाम से जानते हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब आपसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछा जाए तब आप इस डायग्राम को नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो हैं, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम थोड़ा सा अलग बनता है। अब बात करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स में सबसे पहला आता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि किसी भी कमोडिटी को फाइनली कंज्यूम करता है, जो कि फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रोडक्शन का काम करती हैं, इसे हम प्रोडक्शन सेक्टर के अलावा प्रोड्यूसर सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं।
थर्ड आपका आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट का बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही टैक्स लगाती है और सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराती है। इसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारा बिजनेस जो होता है ग्लोबल लेवल पर चलता है तो इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी शामिल हो जाता है, तो यह आपका कहलाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया के बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं अगर वो बिजनेस में आकर के इंटरवेंशन करते हैं, पैसा लगाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, तो ये हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। मतलब हमारे इंडिया के बाहर जितना भी कंट्रीज हैं वो सब हमारे लिए क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो सबसे पहला इसमें आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द हाउस होल्ड टू बिजनेस एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो ऑफ। हाउस होल्ड से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज जो है वो बिजनेस को मिल रही है और बिजनेस फैक्टर सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड से, इसीलिए हाउस होल्ड क्या कहलाते हैं, हाउस होल्ड कहलाते हैं फैक्टर सर्विसेज के ओनर्स। मतलब ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज कहलाते हैं हाउस होल्ड। एंड देन फर्म जब हाउस होल्ड से लेती है फैक्टर सर्विसेज तो इसको बदले में क्या देती है, बदले में इसको देती है गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर समझने वाली बात यह है कि मनी का बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। मतलब रियल फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का और गुड्स का ही केवल ट्रांसफर होता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेकेंड आता है आपका मनी फ्लो। ऐसा फ्लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनी ही फ्लो होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये कहलाता है आपका मनी फ्लो। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनी का फ्लो होता है, चाहे हम फर्म से हाउस होल्ड की बात करें या हाउस होल्ड से फर्म की बात करें। देखिए जो फर्म ने यहां पर फैक्टर सर्विसेज ली थी हाउस होल्ड से, वो यहां पर उसके बदले में उसने क्या किया, उसके बदले में पेमेंट दे दिया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और जो फर्म ने इसको सोल्ड किया था, मतलब हाउस होल्ड ने जो बाई किया था गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से, उसके बदले में हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने इसको पेमेंट दे दिया। तो यहां पर भी मनी का ही फ्लो हुआ और यहां पर भी मनी का ही फ्लो हुआ, दोनों तरफ से पेमेंट हो रहा है। तो इसीलिए ये एक ऐसा फ्लो है जिसमें कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ मनी का फ्लो होता है, इसीलिए इसे हम मनी फ्लो के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डायग्राम के बारे में। अभी हमने समझा रियल फ्लो क्या होता है, इसके अलावा मनी फ्लो क्या होता है। जब इन दोनों डायग्राम्स को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को दे रहा है फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि फर्म को प्रोडक्शन करना है तो फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है जो कि वो हाउस होल्ड से लेंगे, और बदले में जो फर्म्स हैं इनको पेमेंट करेंगे पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो ये सर्कल पूरा होता है कि फैक्टर सर्विसेज फर्म ने ली और बदले में फर्म ने पेमेंट दिया। अब हाउस होल्ड के पास इनकम जनरेट हो गई, इनकम जनरेट होने के बाद हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई वो फर्म से खरीदेगा, यानी फर्म क्या करेगा, सोल्ड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, एंड हाउस होल्ड उसके बदले में क्या देगा, हाउस होल्ड बदले में उसके देगा गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन जो है वो इकोनॉमी में चलता ही रहता है और ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, यही आपका कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहां पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये टू सेक्टर इकोनॉमी में किया हुआ है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है, ना कि अदर थ्री सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी। यहां पर जब मैंने उनकी बात करी ली है तो यह भी समझ लीजिए कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें फोर के फोर सेक्टर एप्लीकेबल हो जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, इसके अलावा गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने इनसाइड द कंट्री के ही सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर,
प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट. लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो यहां पर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी की, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ क्लोज्ड इकोनॉमी में भी टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है. अगला हमारा अगला टॉपिक आता है इंजेक्शन. इंजेक्शन क्या है? इट मीन्स इंट्रोडक्शन इन द फ्लो व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स इन्वेस्ट देयर सेविंग इन द फ्लो. मतलब इंजेक्शन क्या होता है? जो हाउसहोल्ड और फर्म्स जो टोटल इनकम जनरेट करते हैं उसका कुछ पार्ट जो उन्होंने बचा के रख लिया था पहले, अब वो क्या करते हैं उसे इकोनॉमी में इनफ्लो में लगा देते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये कहलाता है इंजेक्शन. क्योंकि इकोनॉमी में जितना मनी का सर्कुलेशन चल रहा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा था, उसमें और ज्यादा आकर के इंट्रोड्यूस हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है. सेकेंड आता है आपका लीकेज. लीकेज क्या होता है? जब इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है उसमें से कुछ इनकम जो है वो हाउस होल्ड या फर्म्स उसको सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, पूरा का पूरा उसे फ्लो से बाहर कर देते हैं, तो ये कहलाता है लीकेज. देखिए, इट रिफर्स टू विथड्रॉल फ्रॉम फ्लो व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म्स सेव सम पार्ट ऑफ देयर इनकम. मतलब पूरी की पूरी जो उन्होंने इनकम जनरेट की वो उसे पूरा का पूरा फ्लो में नहीं लगाया बल्कि उसका कुछ पार्ट उन्होंने बचा के अपने पास सेव कर लिया. लास्ट टॉपिक आता है आपका ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा टाइम पीरियड है, द टाइम पीरियड फ्रॉम 1923 टू 1933 इज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी, मतलब पूरी वर्ल्ड की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड की इकोनॉमी के लेवल पर जो एक टाइम पीरियड था 1923 से लेकर के 1933 तक का, ये टाइम जो है वो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम कहलाता है, मतलब ग्रेट डिप्रेशन कहलाता है. इसमें क्या हुआ था? इन दिस टाइम देयर वॉज ह्यूज फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. मतलब नॉर्थ अमेरिका के और यूरोप के कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा आउटपुट का जो लेवल था वो फॉल हो गया था और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बहुत ज्यादा घट गया था. तो अब हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट की थी कि कुछ वीडियोस में जो स्क्रीन है वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसीलिए इस बार मैंने ये कुछ एक्सटेंशन इसमें शामिल की है जिसमें मैंने नोट्स की क्लिप्स बनाई हैं जिससे कि आप आसानी से इसे कॉपी कर सकते हैं. अगर कोई और भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी पिक्चर्स जो हमने डाली हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर कर सकें ताकि आपको समझने में और भी आसानी रहे. Thank you very much.